आजकल ज्ञानवापी को लेकर औरंगजेब की चर्चा है। ओवैसी मुगल शासक औरंगजेब पर अपना स्टैंड अमूमन क्लियर नहीं करते हैं, यही लगातार देखने को मिला है। लेकिन कल वो सूरत में बोल रहे थे और वहां उन्होंने मुगलों पर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां पर जमकर दलीलें दी। ओवैसी ने कहा कि उनका ताल्लुक अहले दिल और सूफी बादशाहों से है जिन्होंने इस्लाम को भारत में लाया। ओवैसी पढ़े लिखे हैं, पेशे से बैरिस्टर भी हैं। जब वो सूरत में बोल रहे थे तो औरंगजेबी वकील की तरह उनकी भाषा थी। कहा जाता है कि मुगलों मुगलों की बात करते हैं, अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखो, हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे, बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है, मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।